हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके, तो ये गुड मॉर्निंग यूजुअल वाला जो गुड मॉर्निंग विश हम करते हैं वो नहीं है। मैं पर्सनली मानती हूँ कि जब जागो तब सवेरा, तो ये उसके लिए गुड मॉर्निंग था क्योंकि आज से हम लोग एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा ये पहला वीडियो है और हम पूरा MPG के इसमें कवर करेंगे इस सीरीज में, राइट? तो आप लोग यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कोई नई उम्मीद के साथ कुछ नया सीखने के लिए आए होंगे। तो ये हमारे लिए, हम सबके लिए जो देख रहे हैं, जो मैं हूँ, हम सबके लिए एक नई जर्नी शुरू हो रही है। तो इस नई जर्नी के लिए गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग MP के मैप को फिल करना सीखेंगे, साथ में MP में कितने डिविजन्स हैं, उन डिविजन्स में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी है और इन डिस्ट्रिक्ट के नाम क्या क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मेरा नाम प्राची है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि MP में डिविजन्स कितने हैं। अगर मैं याद करवाऊं MP में डिवीजन, तो मैं बोलूंगी 10 पे बस, ना ज्यादा ना कम। MP में कितने डिविजन्स हैं? 10। MP में 10 डिविजन्स हैं, इनके नाम हम लर्न कर लेते हैं। तीन डिविजन्स जो हैं उनके नाम नदियों के नाम पे हैं, चंबल, नर्मदा यानी नर्मदापुरम, रेवा नर्मदा नदी का ही एक और नाम है, तो रेवा से हम याद करेंगे रीवा डिवीजन को। डन। तीन नदियों के नाम है। दो डिवीजन ऐसे हैं जो SS से शुरू होते हैं, SS, दैट इज सागर एंड शहडोल। ये हो गए 5 बचे, और 5 जो 5 बचे हुए हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 5 बहुत बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हम MP में रहते हैं तो MP में सभी लोग जो हैं इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स को जानते ही होंगे। फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि मैं याद करवा दूं। एक नाम आपको याद करना है। अच्छा, भोपाल किसको नहीं पता होगा, MP का कैपिटल है। भोपाल के साथ में बी से स्टार्ट होता है, तो BG से आप याद कर लेना। जी से आता है ग्वालियर, BG से कैसे, BG मतलब होता है पंजाबी लोग BG मतलब दादी को कहते हैं, तो BG से याद कर लेना भोपाल और ग्वालियर। बचा क्या? बचा जबलपुर, इंदौर। जबलपुर MP की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा डिवीजन है, तो जबलपुर हो गया, इंदौर हो गया, एंड लास्ट वन इज उज्जैन। नाम तो सुना ही होगा, महाकाल की नगरी उज्जैन गए भी होंगे। तो ये 10 डिविजन्स हैं MP के, जिसमें से 3 नदी के नाम हैं, चंबल, नर्मदापुरम, रेवा यानी रीवा। 2 SS से शुरू होते हैं, सागर, शहडोल, भोपाल, MP का कैपिटल। भोपाल के साथ में एक और नाम याद करना है, BG, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर। इंदौर जहाँ से मैं भी बिलोंग करती हूँ, अहिल्याबाई की नगरी, क्वीन ऑफ मालवा, जिन्होंने 30 ईयर्स इंदौर पे रूल किया था, मैं बहुत उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है? आप लोग भी करते होंगे अगर उनके बारे में जानते होंगे तो। उस टाइम पे शी वॉज एजुकेटेड, बहुत ही करेजियस और स्ट्रॉन्ग वुमन थी। उज्जैन महाकाल की नगरी, हो गए 10 डिविजन्स। अब हम इसी में पढ़ लेते हैं, इन डिविजन्स में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सबसे छोटा इन 10 की 10 स्पेलिंग्स में देखो, सबसे छोटी स्पेलिंग कौन से डिवीजन की है, तो वो है रीवा डिवीजन की। कितने वर्ड्स का ये है? 1, 2, 3, 4 REWA, 4 वर्ड्स का है, तो इसमें 4 ही नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। रीवा में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 4 हैं। फिर हमने याद किया था कि 3 जो डिवीजन है वो नदियों के नाम पे हैं, तो जो 3 डिवीजन नदी के नाम पे हैं उनका नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी 3 है, 3। रीवा को बस छोड़ देना क्योंकि रीवा में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया सबसे छोटा है 4 वर्ड्स का, तो 4 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। मैं अगर बात करूँ SS वाले सागर और शहडोल की, तो मैं इनको थोड़ा सा लास्ट में बता दूंगी, पहले हम इधर आ जाते हैं। ओके, उज्जैन, उज्जैन हम जाएंगे महाकाल के दर्शन करने, ठीक है? तो जब हम उज्जैन जाएंगे तो अकेले तो जाएंगे नहीं, किसी को साथ लेके जाएंगे, ठीक है? या तो फैमिली को साथ लेके या फ्रेंड्स को साथ लेके, 7 मतलब 7। तो उज्जैन में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं 7। BG, भोपाल और ग्वालियर सेम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं। BG घर की बड़ी ग्रैंड मदर, सबको आशीर्वाद देंगी, आशीर्वाद देते हैं हाथ से, हाथों में होती है 5 फिंगर्स। तो भोपाल और ग्वालियर BG में है, 5 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, 5 भोपाल में, 5 ही ग्वालियर में।
जबलपुर और इंदौर को साथ में याद करना, जबलपुर एमपी का सबसे बड़ा डिवीजन है और जबलपुर के साथ ही मैं आप इंदौर को याद करना, और दोनों में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट होती हैं, दैट इज 8। अब आ जाते हैं सागर और शहडोल पे। सी डोल, मैं डोलती हूँ, डोलती मतलब घूमती हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ सबसे ज्यादा। मेरी फ्रेंड्स का मतलब मेरा 3 फ्रेंड्स का हमारा ग्रुप है, 3 तिगड़ी 3 फ्रेंड्स का ग्रुप ना बहुत फेमस होता है हर जगह। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि हम सबसे ज्यादा डोलते हैं हमारे 3 फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ, 3 मतलब 3। तो शहडोल में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 3। बचा सागर, सागर बचा है, सिर्फ देख लो जो नंबर नहीं दिख रहा होगा ना वही सागर का है। हमने 3 से शुरू किया था, 3, 4, 5, 6 नहीं आया है, 7, 8 भी है, तो 6 है सागर का। ठीक, चंबल नर्मदापुरम दोनों नदी के नाम है, 3 नदी के नाम से 3 डिवीजन याद कर रहे थे, तो इनमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 3-3 है। रीवा सबसे छोटा वर्ड है, हमने काउंट कर लिया कितने वर्ड्स का है, 1, 2, 3, 4 वर्ड्स का है, 4 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। उज्जैन हम किसी को साथ लेके जाएंगे, 7, 7 मतलब 7। बीजी भोपाल और ग्वालियर, हाथ से आशीर्वाद 5 फिंगर्स 5। जबलपुर और इंदौर साथ में 8 सबसे ज्यादा। बचा सागर 6। आगे बढ़ते हैं, ये जो नंबर लिखा है इनमें डिस्ट्रिक्ट्स के नाम अब हम याद करेंगे, एक एक डिवीजन पे एक एक स्टोरी के साथ हम यहाँ पे इसको लर्न करेंगे। सबसे पहले हम चंबल की स्टोरी पढ़ते हैं। चंबल की कुछ ऐसी स्टोरी है कि चंबल नदी के किनारे शिव मांगे मोर भिंडी। शिव, शिव से होगा शिवपुर, मोर से होगा मुरैना, भिंडी से होगा भिंड। मैंने मांगे हटा दिया, मांगे सिर्फ स्टोरी याद करवाने के लिए लगाया था, मांगते मांगते नहीं रहेंगे ना, 3 ही डिस्ट्रिक्ट की जरूरत है, चंबल में 3 ही डिस्ट्रिक्ट होती, तो मांगे हटा देना। शिव मांगे हटा दिया, मोर भिंडी, स्टोरी कंप्लीट। शिव से हो गया शिवपुर, मोर से हो गया मुरैना, भिंड भिंडी से हो गया भिंड। ठीक है, शिवपुर मुरैना भिंड। मैप पे आ जाते हैं, सी मैप पे हमने याद किया डिविजन्स में 3 डिविजन्स के नाम नदियों के नाम पे हैं, तो सबसे ऊपर आएगा चंबल डिविजन, राइट में आएगा यहाँ, राइट में यहाँ रीवा डिविजन, में यहाँ लिख देती हूँ राइट में रेवा नदी से याद कर लेना, दैट इज रीवा डिविजन। और सबसे नीचे आएगा यहाँ पे क्या बचा, नर्मदापुरम, इधर कोई नदी नहीं है, 3 नदियों के नाम से हम याद करे थे, वो डिविजन्स 3 कॉर्नर्स पे आएंगे। सबसे ऊपर चंबल डिविजन आएगा, इधर रेवा रीवा डिविजन, और सबसे नीचे नर्मदापुरम डिविजन आएगा। डन, राइट में रीवा, ऊपर नीचे चंबल और नर्मदापुरम। चंबल का स्टोरी पढ़ लिया, उसको यहाँ लिख देते हैं। हमने पढ़ा शिव यानी शिवपुर, मांगे हटा दिया, मोर भिंडी, मोर भिंडी, मुरैना और भिंड। ठीक, फिर हम आ जाते हैं रेवा डिवीजन पे, रेवा, चलो रेवा की स्टोरी पढ़ लेते हैं। रेवा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं याद करवा रही हूँ कि नर्मदा का एक और नाम है रेवा, हमने जिससे रीवा डिवीजन को याद किया है, रीवा। रीवा में हमने पढ़ा 1, 2, 3, 4 डिस्ट्रिक्ट आएंगी, एक तो रीवा खुद हो गई, बची 3 और डिस्ट्रिक्ट। रीवा को हम याद रखेंगे एस 3 से, एस 3 दैट इज सतना, सीधी, सिंगरौली। ओके, स्टोरी बना लो अगर एस 3 याद नहीं होता है तो। रेवा नाम की एक लड़की है जो किसी का साथ नहीं देती है, सतना, सतना सीधी सी है इसीलिए साथ नहीं देती ना, सीधी है, सीधी सादी, तो सीधी। सिंग करना, गाना गाना बहुत पसंद है, तो सिंगरौली। ठीक, रेवा एक लड़की है, यहाँ आ जाते हैं, ये रेवा, मैंने बोला ना रेवा यानी रीवा डिवीजन यहाँ राइट में है, तो यहाँ सबसे ऊपर लिखो रीवा। लाइन से जैसा स्टोरी बनाया है, साथ नहीं देती है सतना, सीधी है, सिंग करना पसंद है सिंगरौली। ठीक, नीचे आ जाते हैं नर्मदापुरम, नर्मदापुरम डिवीजन, नर्मदा भी एक लड़की है, नर्मदा लड़कियों का ही नाम होता है, देवी है हमारे यहाँ, तो हम पूछते हैं पानी पीते हैं उन्हीं का, चलो नर्मदा नदी का।
तो नर्मदा भी एक लड़की है जो एक्साइटेड है अपने बर्थडे के लिए. हर लड़की अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड होती है, नर्मदा थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड है. तो यहाँ पे ट्रिक है नर्मदापुरम की, हैप्पी हैप्पी बर्थडे. एच से हो गया होशंगाबाद, एच से हरदा, बी से बैतूल. हैप्पी हैप्पी बर्थडे होशंगाबाद हरदा बैतूल. मैंने बोला नर्मदापुरम डिविजन नीचे आएगा. ये दोनों को देखो ये तो गोल गोल हैं, तो कुछ नदी जैसे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, ये थोड़ा सा नदी जैसा दिख रहा है. तो बस इसी को हम यहाँ से शुरू करेंगे, दैट इज होशंगाबाद. ठीक है, होशंगाबाद हरदा बैतूल. सो सॉरी, होशंगाबाद हरदा इधर है छोटू सा और ये बैतूल. ठीक, होशंगाबाद हरदा बैतूल. चलो ये क्या है फिर मैं बता ही देती हूँ. ये एमपी का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज छिंदवाड़ा. मुझे पता है फील करते करते एकदम से क्लिक हुआ कि ये सबसे बड़ा दिख रहा है ना, ये तो छिंदवाड़ा है. ठीक, आप लोगों को भी ऐसे ही याद रखना है, बहुत जल्दी क्लिक होगा अगर एक बार खुद के हाथ से भर लोगी. ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, तो सबसे बड़ा बता दिया, सबसे छोटा नहीं बताया, बुरा लग जाएगा उसको. सबसे छोटा भी देख लेते हैं. एमपी का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है निवारी. कहाँ आता है? यहाँ, ये रहा सबसे छोटू, इतना सा है. निवारी अलग हुआ है टीकमगढ़ से, तो निवारी के जस्ट नीचे वाला है टीकमगढ़. अच्छा, जो जो चीजें आपको मैप पे याद होनी ही चाहिए, जिसका कोई ट्रिक नहीं है, वो हम पहले ही भर लेते हैं, ताकि हम ट्रिक से जो 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 लर्न करेंगे वो फिर डायरेक्ट हम फिल करते जाएंगे. ठीक, यहाँ जैसे एन से आपने लिखा है ना सबसे ऊपर, यहाँ भी एन से ही आएगी, दैट इज नीमच एंड मंदसौर. एन एम नेम से याद कर लेना, नीमच मंदसौर. यहाँ एम टी निवारी टीकमगढ़. अच्छा, सबसे बीच में एमपी का कैपिटल होगा भोपाल. कैसे पहचानोगे? छोटा सा है डमरू के शेप का. ठीक, भोपाल, ये रहा भोपाल. को भोपाल कैपिटल है एमपी का, थोड़ी इज्जत दे दो. हमने बीजी से याद किया था, जी करके बोल लो, जी को पहुंचाएंगे ऊपर. तो भोपाल से जस्ट ऊपर वाला डिवीजन है ग्वालियर. जस्ट ऊपर कहाँ कहाँ रखे ऊपर, तो इतनी सारी जगह है. ये चंबल डिवीजन जहाँ खत्म हुआ है, बस बीच में ये रहा ग्वालियर बीजी. ठीक, अब मैंने बोला भोपाल का शेप डमरू जैसा है. डमरू होता है शिव जी के पास. शिव जी कहाँ है? उज्जैन में. शिव जी तो हर जगह है, लेकिन उज्जैन में नगरी है उनकी. तो उससे हम याद कर लेते हैं कि भोपाल के कहीं पास में उज्जैन आएगा. उज्जैन आता है यहाँ. भोपाल के पास एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ना है, देन उज्जैन डिविजन आएगा. कैसे याद करोगे? इसके नीचे आप इंदौर याद कर लो. इंदौर उज्जैन ऊपर नीचे आते हैं. इंदौर की ट्रिक ये है कि ये देखो थोड़ा सा डॉग जैसा शेप, इन डोर, घर के अंदर हम डॉग्स पालते हैं, तो डॉग जैसा शेप दिख जाएगा, डॉग के फेस जैसा. तो ये इंदौर है. इंदौर के जस्ट ऊपर होता है उज्जैन. कैसे याद किया है? भोपाल डमरू के शेप का, शिव जी के पास होता है उज्जैन. ठीक, और कौन सा डिविजन मैं बता देती हूँ. ये देखो इधर आ जाओ, ये हार्ट शेप का, ये हार्ट शेप का, ये लास्ट में, ये है शहडोल डिविजन. अच्छा, मैं शहडोल की स्टोरी भी सुना देती हूँ, तो आप इजीली कंक्लूड कर लोगे कि दिल वाला शेप क्यों. शहडोल, मैं सबसे ज्यादा डोलती हूँ अपनी तीन फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ. ठीक, मैं इनके साथ डोलना चाहूंगी पूरी उम्र. उम्र मतलब उमरिया. फिर याद रखना कि जिस दोस्त के साथ आप डोलना चाह रहे हो उम्र भर, उसका नाम है अनूप, दैट इज अनूपपुर. मेरा इस नाम का कोई दोस्त नहीं है, मैं सिर्फ याद करवा रही हूँ ताकि आप भी इसी नाम से याद कर लें कि आप उम्र भर डोलेंगे अनूप के साथ. ओके, तो हम आ गए शहडोल पे. अब देखो मैंने बोला डोलती हूँ फ्रेंड्स के साथ, तो फ्रेंड तो एकदम दिल में ही होते हैं ना. तो जहां पे ये दिल वाला शेप दिखे, ऐसा टेढ़ा दिल है, लेकिन याद रखना जहां ये दिल वाला शेप दिखे वही शहडोल है. मैंने बोला मैं डोलती हूँ, तीन डिस्ट्रिक्ट आएंगी इसमें. ठीक है, थ्री. तो शहडोल एक खुद हो गया, बचे दो. तो दो कौन सी? उमर भर डोलूंगी, दैट इज उमरिया, और अनूप के साथ डोलूंगी अनूपपुर. खत्म हो गया है शहडोल. अब आ जाते हैं, देखो हमने तीन नदियों की स्टोरी पढ़ ली, हमने एस की एक पढ़ ली, एक और एस वाला बचा है, पहले उसे ही खत्म करते हैं. शहडोल हो गया, कौन सा एस वाला डिविजन बचा है? सागर. शहडोल हो गया, क्या बचा? सागर. तो सागर की स्टोरी कुछ ऐसी है. सागर मतलब समुद्र, राइट?
सागर मतलब समुद्र, तो हमारा ना पानी को देख के, मतलब मेरा तो बहुत ज्यादा पानी देख लेती हूँ ना तो दम घुटने लगता है, दम, ठीक है, दम से होगा दमोह। दम क्यों घुट रहा है? क्योंकि मैं इतने सारे पानी में पन्ने की नाव पे बैठ गई हूँ। पन्ने मतलब पन्ना, पन्ना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पन्ने की नाव तो कभी भी छतर छतर हो सकती है, छतर छतर से याद करेंगे छतरपुर। सागर में हमने सिक्स डिस्ट्रिक्ट पढ़ी थी तो तीन ही हुई, तो एक सागर खुद भी तो है, फिर भी चार हुई, दो और कौन सी, तो दो और हमने पढ़ी है। निवारी जो एमपी की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है, और टीकमगढ़, सी हमने निवारी और टीकमगढ़ यहाँ फिल किया है, मतलब यही कहीं सागर डिविजन होगा। सागर को याद करने का सबसे अच्छा तरीका, यहाँ से पानी डालो यहाँ आ जाएगा, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से ऐसी स्पेस दी हो, तो ये याद रखना है कि इसके जस्ट नीचे वाला है सागर, ये रहा सागर, ठीक। मैंने बोला सागर में इतना सारा पानी देख के दम घुटेगा, दमो, ठीक, दम घुट रहा है, दमो, डन, दम घुट रहा है, क्यों? क्योंकि पन्ने की नाव में बैठ गए हैं, ये रहा पन्ना, पन्ने की नाव कभी भी छतर छतर हो सकती है, ये रहा छतरपुर, ठीक। तो सागर, दमो, पन्ना, छतरपुर, निवारी और टीकमगढ़ हो गए सिक्स डिस्ट्रिक्ट, और हो गई ये स्टोरी भी खत्म। फिर से बता देती हूँ, चंबल की स्टोरी है शिव मांगे मोर भिंडी, शिवपुर मुरैना भिंड, रेवा यानी रीवा डिवीजन की स्टोरी है S3, सतना सिद्धि सिंगरौली, शहडोल, शहडोल उमर भर अनूप के साथ, उमरिया अनूपपुर, नर्मदापुरम, कौन नर्मदा बहुत एक्साइटेड है बर्थडे के लिए, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। ओके, नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं, हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट स्टोरी ग्वालियर की। ओके, ना पहले भोपाल पढ़ लेते हैं, बी जी से हमने याद किया था ना, पहले बी आ रहा है तो पहले बी को खत्म कर लेते हैं, दैट इज भोपाल, फिर जी पढ़ लेंगे ग्वालियर। भोपाल, ओके, भोपाल फेमस है राजा भोज के लिए, भोपाल से मुझे याद आ गया मेरा लड्डू, मेरी दीदी का बेटा है वो वहीं रहते हैं, सो ओके, तो भोपाल राजा भोज की नगरी, ठीक है, राजा भोज, तो राजा भोज से आपको याद करना है स्टोरी, राजा से शुरू करेंगे, राजा, राजा से हो गया राजगढ़, ठीक। भोपाल में राजा, राजा भोज, राजगढ़, जो राजा है ना हम उनसे कहेंगे जाके आप सारे सी करके आओ हॉर्स को, हॉर्स होते हैं बहुत घोड़े होते हैं राजा उनके पास, तो राजा को बोलेंगे जाके सी करके आओ हॉर्स को, सी हॉर्स मतलब सीहोर, राजा से हो गया राजगढ़, और हम राजा को बोलेंगे कि हम आप ही से राय लेंगे सारी, किसके बारे में, विद्या के बारे में, विद्या मतलब पढ़ाई के बारे में, तो राय लेंगे से हो गया रायसेन, विद्या के बारे में लेंगे दैट इज विदिशा। स्टोरी को थोड़ा सा मिला लो, राजा की बात राजगढ़, राजा को बोला जाके सारे हॉर्स देख के आओ, सी करके आओ सीहोर, ठीक, फिर बोला कि आप ही से राय लेंगे रायसेन, किसके बारे में, विद्या के बारे में, विदिशा, चलो मैप पे आ जाओ, ये रहा भोपाल, यहाँ से ऊपर से राजा को ऊपर बिठाएंगे ना, यहाँ ऊपर बस ये वाली जगह से हम चालू करेंगे भोपाल की स्टोरी, राजा से हो गया राजगढ़, ठीक है। चार ही डिस्ट्रिक्ट हम फिल करेंगे, एक तो भोपाल खुद हमने फिल कर दिया है क्योंकि भोपाल में हमने पढ़ा था 5 डिस्ट्रिक्ट आती है, भोपाल हमने भर दिया, 4 ही और फिल करना है, ये हटा देना प्लीज, ध्यान रखना ये बीच वाला उज्जैन में आता है तो इसको नहीं भरना है, यहाँ से ये चारों आ जाएंगे, ठीक, आसपास वाले। ये राजगढ़ हो गया, राजा को हमने क्या बोला है कि जाके सारे हॉर्स को सी करके आओ सी हॉर, फिर हमने बोला मापी से राय लेंगे रायसेन, किसके बारे में, विद्या के बारे में, विदिशा, डन, चलो बी हो गया। अब आ जाते हैं जी पे, बीजी, बीजी, जी से ग्वालियर, ग्वालियर हमने बीजी मतलब मैंने बताया था पहले भी कि बीजी मतलब दादी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक, तो जो ग्वालियर की स्टोरी है वो दादी से ही शुरू होगी, बीजी का जी याद किया था, बीजी से, तो जी से ग्वालियर पढ़ा था, तो ग्वालियर की स्टोरी हम दादी से ही शुरू करेंगे, बीजी मतलब दादी, दादी से हो गया दतिया, दादी शिव जी को बहुत मानती हैं, शिव जी मतलब शिवपुरी, मेरी तरह मैं भी शिव जी को बहुत मानती हूँ, बिना मांगे वो सब दे देते हैं, मतलब वाओ मैजिक, चलो ग्वालियर,
तो ग्वालियर बीजी, दादी की बात चल रही थी तो दादी से हो गया दतिया। दादी शिव जी को बहुत मानती हैं, शिवपुरी। ठीक, जब भी दादी कोई गुनाह करती है, गुनाह पाप जो भी, तो जब भी कोई गुनाह करती है तो वो शिव जी को जाके अशोक के फूल चढ़ा देती हैं, अशोक नगर। दादी से दतिया, शिव जी को मानती है शिवपुरी, गुनाह करती है अशोक के फूल चढ़ा देती है, गुनाह अशोक नगर। ये रहा ग्वालियर बीजी। ठीक, यहाँ से शुरू करते हैं कि भोपाल की ग्वालियर बीजी दादी से स्टोरी है। दादी मतलब दतिया शिव जी को मानती है शिवपुरी। ठीक, शिवपुरी शिव जी को मानती है, जब भी कोई गुनाह करती है उन्हें जाके अशोक के फूल चढ़ा देती है, गुनाह और अशोक नगर। डन। अब हम आते हैं उज्जैन पे। सी, उज्जैन डिवीजन ये रहा। उज्जैन में हम ऑलरेडी नीमच मंदसौर फिल कर चुके हैं। मैंने बताया था एनएम से याद रखना, तो ये भी याद रखना कि नीमच और मंदसौर उज्जैन में आते हैं। ये आप ऐसे याद कर सकते हो कि मंदसौर में रहती थी मंदोदरी। मंदोदरी है रावण की वाइफ, रावण शिव जी की बहुत पूजा करते थे, और मैंने बताया है कि उज्जैन को बोलते हैं शिव की नगरी। ठीक, तो उज्जैन में आ गया नीमच मंदसौर। आगे बढ़ते हैं, स्टोरी शुरू करते हैं हम उज्जैन की। उज्जैन में मैंने बोला था सात जाएंगे, मतलब 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट उज्जैन खुद है। नीमच मंदसौर दो और हो गई, 3 हो गई। ठीक, बची हुई हम कर लेते हैं। स्टोरी कुछ ऐसी बनाना है कि अगर अगर से स्टोरी चालू करेंगे, अगर ओके हमें जाना है शिव जी से मिलने उज्जैन, तो अगर मैं बोलूं कि अगर रात को रात मतलब रतलाम, अगर मतलब अगर मालवा, अगर रात को मुझे शिव जी से मिल, मतलब मुझे उज्जैन जाना है, तो मुझे उज्जैन मतलब लोग सोचेंगे ना उज्जैन क्यों जाना है, क्योंकि वहां पे देवों का वास है, देव मतलब शिव जी का वास है। ठीक, अगर रात को क्यों जाना है, देवों का वास है देवास। ठीक, अगर मालवा रतलाम देवास, तो देखो सी, जब मैं बोलूंगी देवों का वास है तो कोई मुझे मना करेगा क्या जाने के लिए उज्जैन? नहीं, सब बोलेंगे शाबाश, जा जा। शाबाश से हो गया शाह, जा से हो गया जा, दैट इज शाहजहांपुर। डन, आया इतना समझ? उज्जैन क्या बोला मैंने, अगर रात को क्यों, देवों का वास है इसीलिए, तो सब बोलेंगे शाबाश जा शाहजहांपुर। नाम याद कर लो, अगर मालवा रतलाम देवास शाहजहांपुर, ये सारी डिस्ट्रिक्ट आती हैं उज्जैन में, फिल कर लेते हैं। ये रहा उज्जैन, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे ये खत्म हो गया हमारा भोपाल, बस यहीं से। ओके, यहाँ पे आ गया अगर मालवा, अगर अगर रात को, तो रात आ गया रतलाम, या तो इंदौर आ जाएगा, यहाँ नहीं आना, इधर आ जाओ उज्जैन के पास। तो अगर रात को क्योंकि देवों का वास है देवास, सब बोलेंगे शाबाश शाहजहांपुर। डन। अच्छा, एक और चीज याद रखनी ही है आपको मैप पे, दैट इज ये जो है ना नीचे सबसे कॉर्नर में, ये अलीराजपुर और झाबुआ, ये एजे से याद रखना, अजय देवगन, तो एजे से याद कर लेना अलीराजपुर और झाबुआ। अब ये जो एजे है ना, ये इंदौर में आता है, याद रखना। ठीक, एक और चीज कि सबसे सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है एमपी की, दैट इज बुरहानपुर, उसको भी हम नीचे फिल कर देते हैं बुरहानपुर। सबसे साउथ में यही दिख रही है, इसको फिल कर दिया। ठीक, अब हम आ जाते हैं इंदौर की स्टोरी पे। इंदौर को कैसे याद रखोगे, इंदौर को याद रखना है इनडोर से, घर के अंदर, इनडोर। ठीक, तो घर के अंदर, ओके, घर के अंदर हम बच्चों के नाम कुछ इस तरह से रखते हैं। अच्छा, मुझे दूसरे लोगों का तो नहीं पता, इंदौरी तो ऐसे ही रखते हैं किट्टू बिट्टू टाइप, किट्टू मतलब K2, बिट्टू मतलब B2। हम बात कर रहे हैं इंदौर की, और मैं इसको लर्न करवा रही हूँ इनडोर से। ठीक, तो घर के अंदर बच्चों के नाम किट्टू बिट्टू, K2 B2। K2 से हो जाएगा खरगोन और खंडवा, बिट्टू से हो जाएगा बरवानी और बुरहानपुर। ठीक, बैतूल मत ले लेना, बैतूल तो कहाँ है, नर्मदापुरम में, नर्मदा एक लड़की है, हैप्पी हैप्पी बर्थडे के लिए एक्साइटेड। ओके, किट्टू बिट्टू हो गया। अब घर के अंदर इनडोर, हम लोग ना किसी से नहीं डरते, हम बहुत धार में घूमते हैं, एकदम दादा पहलवान बन गए। ठीक, तो धार भी इसी में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एजे ऑलरेडी लिख चुके हैं, वो भी इंदौर में ही आता है,
अलीराजपुर और झाबुआ। बुआ मतलब बुआ, बुआ भी तो इंदौर, घर के अंदर ही रहेगी ना, इंदौर। वैसे याद कर लेना, हम इनको जरा स्टोरी को इधर पुट कर देते हैं, किट्टू बिट्टू को बाद में, पहले इंदौर में, इंदौर घर के अंदर बहुत तेज धार में घूमते रहते हैं, तो यहाँ आ जाएगा धार। ठीक, ये बाहर बाहर वाले दोनों बीटू हैं। तो बुरहानपुर तो मैंने बता दिया सबसे सदर्न मोस्ट होता है, तो बुरहानपुर तो हम पहले ही फिल कर दिया। बचा एक और बड़वानी, यहाँ आ जाएगा केटू, साथ में आएंगे खरगोन और खंडवा। पहले क्या आएगा? खरगोन, जिसकी स्पेलिंग बड़ी है वो पहले लिखता, खरगोन और खंडवा। ये हो गया इंदौर, इंदौर मतलब इनडोर, जिसमें एजे अजय देवगन भी आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे बीबी यानी बड़वानी और बुरहानपुर, फिर आ जाएगा केके यानी खरगोन और खंडवा, किट्टू बिट्टू, फिर आ जाएंगे हमारी भुआ। तो भुआ मैंने बता दिया, झाबुआ एजे से जो याद किया है, और एक है धार, घर के अंदर हम किसी से नहीं डरते हैं, बहुत तेज धार में घूमते रहते हैं। दैट इज यहाँ पे इंदौर का स्टोरी खत्म। लास्ट स्टोरी हमारा बचा है जबलपुर का। हम आ जाते हैं जबलपुर पे, एमपी का सबसे बड़ा डिवीजन, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज छिंदवाड़ा। एमपी का सबसे बड़ा डिवीजन, जिसमें एमपी की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी छिंदवाड़ा। ठीक, जबलपुर की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब जब से शुरू करना, जब जब हमको कटवट लग जाती, कट जाता है, तो हम जाते हैं नर्स के पास। नर्स उस कट को सी करेगी, देखेगी। ठीक, फिर नर्स हमारा थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए बोलेगी, आप एक काम करना, बाला वाले गाने पे डांस कर लेना। बाला वाला गाना सबने सुना होगा, बाला बाला। ओके, तो बाला। ठीक, उसके बाद नर्स बोलेगी, मन लगे तो दिन में थोड़ी दौड़ भी लगा लेना, दिन में दौड़ भी लगा लेना। ठीक, तो जब कट जाएगा हम नर्स के पास जाएंगे। कट जाएगा मतलब कटनी, नर्स के पास जाएंगे मतलब नरसिंहपुर। नर्स उसको सी करेगी, देखेगी। सी मतलब सियोनी, बोलेगी बाला वाले गाने पे डांस कर लेना। बाला मतलब बालाघाट। फिर बोलेगी, मन लगे तो दिन में थोड़ी दौड़ भी लगा लेना, मन लगे तो मंडला, दिन में दौड़ लगा लेना मतलब दिन डोरी। ये है जबलपुर का स्टोरी। ठीक, अच्छा, सियोनी और सीहोर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये सियोनी है। ठीक, सीहोर हमने याद किया था ना, हॉर मतलब हॉर्स हो जाएगा, तो हॉर्स तो होते हैं राजा के पास, राजा से हमने याद किया था भोपाल को, राजा भोज, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, इसको हटा दो। ओके, जबलपुर की स्टोरी क्लियर है। जब कट जाता है तो नर्स के पास जाते हैं, सी करेगी, बाला वाले गाने पे डांस करने को बोलेगी, मन करे तो दिन में दौड़ लगा लेना, ये भी बोलेगी। मैप पे आ जाते हैं, कहाँ है जबलपुर। सी, एक चीज ध्यान रखना, ये सी हॉर्स जैसा शेप ढूंढ लेना, ये देखो सी हॉर्स जैसा मुंह लग रहा है, सी हॉर्स, तो ये एस वाला सी हॉर्स सियोनी का शेप होता है, तो ये हम यहाँ पे फिल कर दिया सियोनी को। इसके जस्ट ऊपर वाला होता है जबलपुर। ठीक है, सियोनी के जस्ट ऊपर वाला होता है जबलपुर। अब हम स्टोरी शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ खाली स्पेस ऊपर से दिखेगी वहीं से स्टोरी चलाएंगे। स्टोरी हमारी शुरू हो रही है, कट जाता है कटनी, कट जाता है कटनी। ठीक, कट जाता है तो नर्स के पास जाते हैं नरसिंहपुर। नर्स उसको सी करती है सियोनी, फिर बोलती है बाला वाले गाने पे डांस कर लेना बालाघाट। फिर बोलती है, मन लगे मंडला तो दिन में दौड़ लगा लेना दिनडोरी। मैप कंप्लीट हो गया है। किसी भी ट्रिक में प्रॉब्लम हो, एक बार वीडियो को फिर से देख लेना। आई एम 110% श्योर कि अगर आप खुद से एक बार मेरे साथ साथ मैप फिल कर लोगे और खुद से एक दो बार कर लोगे, तो आपको बिल्कुल मैप भरने में, मैप फिल करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मैं एक बार फिर से जितना भी पढ़ा है सब कुछ रिवाइज करवा देती हूँ, फिर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। ओके, तो हमने पढ़ा एमपी में 10 डिविजन्स होते हैं, जिसमें से 3 नदियों के नाम पे है, चंबल, नर्मदा, पुरम और रेवा यानी रीवा। 2 S's से शुरू होते हैं, सागर एंड शहडोल। ठीक, बचे हुए 5 बड़ी-बड़ी डिस्ट्रिक्ट से एक भोपाल एमपी का कैपिटल है। बीजी से हमने भोपाल और ग्वालियर को याद किया है। बचा इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, महाकाल की नगरी। ठीक, मैं स्टोरी सबकी सुना देती हूँ। चंबल, चंबल नदी के किनारे शिव मांगे मोरभिंडी, शिवपुर मुरैना भिंड। ग्वालियर, ग्वालियर बीजी दादी से शुरू करा है, दादी दतिया, शिव जी को मानती है शिवपुरी,
गुना हो जाते हैं तो अशोक के फूल चढ़ाती हैं गुना और अशोक नगर, नीचे आ जाते हैं भोपाल पे राजा भोज की नगरी, राजा से शुरू करेंगे राजगढ़, राजा को बोलेंगे सारे हौर सी करके आओ, देख के आओ सीहोर, ठीक, राजा को ही हम बोलेंगे राय दे देना विद्या के बारे में, रायसेन और विद्या मतलब विदिशा। यहाँ आ जाते हैं हैप्पी हैप्पी बर्थडे होशंगाबाद हरदा बैतूल, ये किसके बारे में है, कौन एक्साइटेड है बर्थडे के लिए, नर्मदा, दैट इज नर्मदापुरम, मैंने बताया था एक नदी यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, नर्मदापुरम चंबल इधर रीवा, ठीक, रीवा डिवीजन यानी रीवा से हमने जो याद किया है, यहीं आप रीवा को रखोगे, रीवा में हमने याद किया है एस थ्री, साथ नहीं देती है सतना, सीधी है सिद्धि, सिंह करना गाना गाना पसंद है सिंगरौली, ठीक, सागर, सागर में दम घुटता है दमोह, दम क्यों घुट रहा है क्योंकि पन्ने की नाव है पन्ना, छतर छतर हो सकती है छतरपुर, सागर में एक और चीज याद रखनी है निवारी जो कि एमपी का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, निवारी आएगा जो कि अलग हुआ है टीकमगढ़ से, तो यहाँ आएगा निवारी और टीकमगढ़, ठीक, फिर आ जाते हैं दौर पे, दैट इज इनडोर से याद करना है किट्टू बिट्टू, खरगोन खंडवा बुरहानपुर और बड़वानी, उसके अलावा घर के अंदर हम बहुत तेज धार में घूमते रहते हैं दैट इज धार, और यहाँ एजे भी आ जाएगा इंदौर में, अजय देवगन इंदौर में, ठीक, एजे, अलीराजपुर एंड झाबुआ, बुआ भी घर में रहती है ना इंडोर तो वो आ जाएंगी, फिर आ जाते हैं उज्जैन पे, उज्जैन नीमच मंदसौर, मंदसौर हमने मंदोदरी से यहाँ पे रिलेट कर लिया, उज्जैन की स्टोरी शुरू होगी कि अगर रात को देवों का वास है सब बोलेंगे जा जा दर्शन कर ले तो शाजापुर, ठीक, फिर आ जाते हैं जबलपुर पे, लास्ट स्टोरी है, हाँ ओके, जबलपुर, जब कट जाता है, कट मतलब कटनी, नर्स के पास जाते हैं नरसिंहपुर, नर्स सी करेगी सियोनी, बोलेगी बाला वाले गाने पे डांस कर लेना बालाघाट, मन लगे तो दिन में दौड़ लगा लेना मंडला और दिन में दौड़ मतलब डिंडोरी, डन, ओके, तो यहाँ पे पूरा एमपी के डिविजन्स, उसमें कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं वो डिस्ट्रिक्ट के नाम और मैप पे उनका लोकेशन मैंने बता दिया है अच्छे से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, नेक्स्ट वीडियो मैं सीरीज़ में एमपी का जो भी जीके है पूरा मैं पढ़ाऊँगी, और हाँ लाइक कर देना अच्छा लगा हो तो, और बुरा लगा हो तो डिसलाइक मत करना, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, आज जब बनाई है ना खुद खड़े होके तब समझ आ गया, ओके, तो सब्सक्राइब कर देना, जिसको एक्चुअल में ज़रूरत हो उनको शेयर कर देना ये वीडियो, क्योंकि अगर ये वीडियो किसी भी यूज़फुल इंसान तक मतलब यूजफुल आई मीन जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है उस इंसान तक पहुँचेगी उसके लिए यूजफुल रहेगी तो मुझे बहुत सारी खुशी होगी, और थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए, और बस बाय टाटा राधे राधे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।